आज हम लड़ेंगे अपने परचम की शान के लिए, हम लड़ेंगे अपने आत्मसम्मान के लिए, और आज हम लड़ेंगे अपने क्लैन के लिए। हे गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे सुपर बोलर से कुछ वार अटैक। तो वार्डन वॉल्क हम लोगों ने चालू कर दिया है, और देख सकते हो वार्डन जो है वो अपना फनल क्रिएट कर रहे हैं, और साइड में जो अपना मोर्टर डिस्ट्रॉय होते ही अपना जो सीज है फ्लेम फिंगर को डाल दिया, ताकि फ्लेम फिंगर जो है अपना अच्छा खासा एक प्रॉपर फनल क्रिएट कर सके इस साइड का। और इस जगह का जो मेन थ्रेड है अभी फ़िलहाल है ये जो एक्सपो, जो कि ग्राउंड में करा गया है, और इसका रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। अगर ये एक्सपो के अंदर घुस गया फ्लेम फिंगर तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिलहाल वार्डन जो है वो टैंकिंग का काम कर रहा है, और एक्सपो के पास पहुंच चुका है, अपना रेंज के अंदर पहुंच चुका है अपना फ्लेम फिंगर। और फ्लेम फिंगर फिलहाल अभी तक फ्लेम फिंगर सेफ है, फ्लेम फिंगर पे अभी फ़िलहाल एक्सपो सेफ नहीं हुआ। तो फिलहाल हम लोगों ने सुपर बॉलर और आउटसाइड फनल के वगैरह कर दिया, और बाकी सब कुछ डाल दिया अंदर। एक जम्प डेम्प्लॉय कर दिया हम लोगों ने, हीलर हीलिंग होते हुए एक रेस पर डाल दिया हम लोगों ने वार्डन एबिलिटी। ओके, अभी बढ़िया चल रहा है। किंग जो है आउटसाइड फनल वगैरह कर रहा है, ताकि कोर पे सुपर बॉलर पुश करता है। आरसी हम लोगों ने अभी तक डिप्लॉय नहीं किया, आरसी हम लोगों के पास अभी भी होल्ड है, तो इस जगह का वॉल जो है वो टूट जाए, उसके बाद अपना टाउन हॉल जो है मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा जम जो है थोड़ा अर्ली डाल दिया, ताकि जो टाउन हॉल है टाउन हॉल पे एक्सेस नहीं मिला हम लोगों ने। ये हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। फिलहाल सुपर बॉलर अगर टाउन हॉल को ले लेता है बाउंस के मदद से तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिलहाल मुझे तो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, और एक दो बॉलर्स का बाउंस जो है जा रहा है, और फाइनली टाउन हॉल का डाउन हो चुका है। एक्सपो भी डाउन हो चुके हैं सारे, एक स्कैटर डाउन हो चुका है, और एक स्कैटर लास्ट वाला बचा है। रेज पर डाल दिया, रेज ने हिलर्स और जो है ना बॉलर्स को बूस्ट कर दिया था। आरसी हम लोगों ने डाल दिया, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, थोड़ा वक्त क्लीन अप भी बचा है अभी। और देखते देखते बेस जो है ना कचूमर बन चुका है, और थोड़ा सा भी बिल्डिंग बचा है बेस में, जो कि आरसी अपना निकल लेगा, और ये बेस हो चुका है 3 स्टार। ये जो बेस है गाइस बहुत ही खतरनाक सा बेस है, और लेंगे इसको भी 3 स्टार। तो देख सकते हो गाइस वार्डन वॉल्क हम लोगों ने चालू कर दिया है, और वार्डन का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस जगह का हम लोगों का जो ईगल है, ईगल को टेक डाउन करना है। तो ईगल अगर मिल जाए इस जगह से तो गाइस बहुत ही आसानी रहेगी बेस को क्लियर करने के लिए। तो बहुत सारा डिफेंस और बहुत सारा बिल्डिंग जो है साइड में लगाया गया है, ताकि जो वार्डन बहुत देर से ईगल पे जाए, फिर भी ईगल पे लेके जाना चाहिए बहुत जल्दी। और देख सकते हो ईगल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, एक स्पेल डाल दिया इधर ताकि ईगल जो है डैमेज हो जाए। तो ईगल फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है अपना। तो हम लोग वार्डन को इस तरफ लाएंगे और क्वीन की मदद से, और देख सकते हो क्वीन की मदद से अपना वार्डन जो है इस तरफ आ चुका है। आउटसाइड फनल के टाइम है अभी, और किंग और डाल दिया विचेस, और इधर यूज़ करेंगे हम लोग एक सीज बैरक, क्योंकि इस जगह में थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज की ज़रूरत है हम लोगों को इसलिए। और इस बेस में हम लोग वॉल ब्रेकर यूज़ नहीं करा है, यूज़ करा है सिर्फ डबल जंप स्पेल। तो एक जंप स्पेल देख सकते हो इधर, और दूसरा जंप स्पेल इधर। तो इस जगह से अगर एंट्री मिल जाती है हम लोगों के ट्रूप्स का, तो पूरा बेस जो है ना खा जाएगा, क्योंकि यही सबसे वीक पॉइंट है बेस का, और यही सबसे प्लस पॉइंट है बेस का, क्योंकि इस जगह पे एक्सेस नहीं मिलेगा। डबल साइड से जो है ना वॉल को रखा गया है, तो इस जगह को अगर मैं तोड़ लेता हूँ तो बेस इजीली हो जाएगा 3 स्टार। तो है हमने यही जो है लूपहोल का फ़ायदा उठाया, और इसमें इस तरफ से जो है आप डबल जंप की मदद से इस तरफ से ही पुश करवा दिया अपने आर्मी को। तो टाउन हॉल गाइस हो चुका है डाउन, और स्पेल की अगर बात करूँ सारा स्पेल जो हम लोगों ने डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा रे स्पेल नहीं था इस अटैक में, क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने जंप लिया था। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा डैमेज 33 गाइस निकल चुका है क्लैन कैसल। तो ये 33 अगर ये एक्सपो निकल लेता है तो गाइस बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वीन बचा है विथर एबिलिटी, आरसी विथर एबिलिटी, और देख सकते हो इधर एक स्केटर बचा है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है। तो आरसी की एबिलिटी पॉपअप कर दिया हम लोगों ने, और क्वीन जो है क्वीन जा रहा है मल्टी इन्फिनो के सिंगल इन्फिनो की तरफ, और सिंगल इन्फिनो अगर क्वीन ले लेती है तो बहुत बढ़िया। और देखते ही देखते गाइस क्वीन ने जो है ना अपना इन्फिनो टेक डाउन कर लिया, और ये जो बेस है बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है 3 स्टार। तो चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। ये वाला जो बेस है गाइस ये थोड़ा सा बॉक्सी सा बेस है, और बॉक्स में टीजर मिक्स्ड ऐसे ही कुछ सेंटर पे अपना मोनोलाइट रखा गया है, और दो साइड से फनलिंग करा जा रहा है, एक साइड से वार्डन और एक साइड से फ्लेम फिंगर।
अगर प्रॉपर फनल मिल जाता है तो कोर पे हो जाएगा पुश। तो फिलहाल देखते हैं जो फनल हो रहा है। पॉइजन लेजर जो है वो डाउन हो चुका है अपना, और जो है फिलहाल ये वाला विजर्ड टावर तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। दोनों तरफ के अगर विजर्ड टावर हम लोगों को मिल जाता है तो बहुत अच्छा फनल माना जाएगा फिलहाल। और दो स्टोरेज रखा गया है सामने ताकि वार्डन जो है ना बहुत मुश्किल फेस करे। तो फिलहाल अभी एक स्टोरेज में वार्डन लग चुका है, और दूसरी तरफ का जो फ्लेम फिंगर है, फ्लेम फिंगर का जो डैमेज है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक डिफेंस में या फिर एक बिल्डिंग में डालने से साइड के जो बिल्डिंग रखा गया है एक टाइल के दूर पे बहुत सारा डिफेंस जो है ना वो आ जाता है चपेट पे। और इस तरफ का जो फनल है फ्लेम फिंगर की तरफ बहुत अच्छा बन चुका है। किंग आ चुका है, सुपर बोलर, दो आइस गोलम सब कुछ डाल दिया गया है, क्वीन आ चुका है, अभी डाला जाएगा जंप स्पेल, और एक दो जंप स्पेल डाल दिया गया है, और इसमें भी दो जंप स्पेल ही रखा गया है। और देख सकते हो सारा ट्रूप जो है पुश आ चुका है अंदर। एनिमी क्लैन कैसल गाइस निकल चुका है, वो खतरनाक वाली बात है। और बोलर को ओवर वार्डन एबिलिटी डाल दिया गया है, बोलर के ऊपर रेज डाल दिया गया है, और अभी जो है कोर पे बहुत अच्छा जो पावर मिल चुका है हम लोगों को। इनविजिबिलिटी स्पेल ने इनविजिबल कर दिया दो जगह, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। और एक फ्रीज आइस गोलम मर के फ्रीज इफेक्ट दे गया हम लोगों को। और देख सकते हो जो है कोर बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना डाउन हो चुका है। स्केटर एक बचा है वो भी डाउन हो जाएगा फिलहाल, लेकिन स्केटर जो है ना डाउन हो नहीं पाया क्योंकि कोर के जो सारे बॉलर्स वगैरह है सब कुछ डाउन हो चुके हैं। आरसी आ चुका है स्केटर पे, और आरसी ने स्केटर को ले लिया है। और लेसी जो है, लेसी बहुत लो एचपी के साथ बचा है, तो लेसी नहीं इधर डिगी होना चाहिए था क्योंकि डिगी बहुत इफेक्टिव है लेसी से। तो गाइस आप लोग लेसी से डिगी ज़्यादा प्रेफर किया करो, क्योंकि लेसी बहुत अच्छा है टाउन हॉल 14 में, क्योंकि 15 में अभी आ चुका है तो डिगी बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल अपना जो है ना सिंगल इन्फर्नो है वो डाउन हो चुका है, और थोड़ा सा डिफेंस ही बचा है, और ये जो बेस है किसी का किसी तरह हो चुका है अपना 3 स्टार। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हम लोगों ने कर दिया है। ये जो बेस है गाइस ये बहुत ही लल्लू लाल सा बेस है, और अपना को निकालना है 3 स्टार इससे, जो कि हम लोग शपथ लेके आए हैं इधर से। और देख सकते हो पॉइजन लिजर्ड जो है वो बहुत ही खतरे में है, और लिजर्ड अपना डाउन हो चुका है। ब्लैक एयरमैन उठा है जो बिलून को टैंक कर दिया गया है, तो हीलर अपना बच चुका है, और मोटर भी अपना टैंक हो चुका है। नहीं, अभी तक टैंक नहीं हुआ मोटर वार्डन के ऊपर, अगर वार्डन के ऊपर टैंक हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा। फिलहाल अभी टैंक हो चुका है, और अभी जो है सीज जो है अपना फ्लेम फिंगर इसका जो खेल देखने को मिल जाएगा। और देख सकते हो धीरे धीरे जो है अपना फ्लेम फिंगर खेल दिखाना शुरू कर चुकी है, और देखते देखते धीरे धीरे जो फनल प्रॉपर बन जाएगी। फिलहाल दो डिफेंस डाउन हो चुका है, क्वीन को डाल दिया हम लोगों ने इस तरफ ताकि वार्डन इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ से हम लोगों का पुश जो है वो चालू हो जाएगा। किंग और विचेस डाल दिया गया है ताकि जो है पाथ क्रिएट हो जाए अच्छा खासा, और देख सकते हो पाथ जो है प्रॉपर बन चुका है। तो किंग और जो है पोलर्स उसमें कोर में जाने के लिए तैयार है, फिलहाल घुस चुके हैं अंदर बेस के, और अभी जो है रेज डाल दिया जाएगा। फिलहाल इसमें एक ही जंप स्पेल यूज़ करा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज का पावर हम लोगों को मिल जाए। हार्डली आरसी डिप्लॉयमेंट, जो कि अच्छी बात तो नहीं लगती मुझे, फिर भी देखते हैं कैसा होता है। ईगल गाइस डाउन हो चुका है, एनिमी क्लैन कैसल से बस मिक्स क्लैन कैसल निकला है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सुपर मिनियंस के साथ जो है अपना सुपर बलून बहुत ही जहर कम्बिनेशन है क्वीन चार्ज के लिए, क्वीन बहुत ही जल्दी जो है ना डाउन हो जाता है, और बेस आधा मतलब 50% से ऊपर गाइस डाउन हो चुका है। फ्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है बार बार, और आइस गोलम के मरने की वजह से, और अपना आरसी जो है ना बहुत कम हेल्थ के साथ बचा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं, अच्छा जो डिगी है वो डाउन हो चुका है गाइस, डिगी नहीं सॉरी वो वाला पेट क्या है इसका नाम, लस्सी। और ये जो बेस है बहुत अच्छे तरीके से 3 स्टार होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस क्या करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और ये जो बेस है ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है 3 स्टार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।